हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को बताने वाले हैं कि आप बिना पढ़े भी इंग्लिश के पेपर में कैसे पास हो। फ्रेंड्स, जो तरीका आपको आज बताने वाले हैं, ये ट्रिक आप जाके 4 मार्च के अंग्रेज़ी के पेपर में आप अपना लीजिएगा। और जो तरीका आपको सिखाएंगे वो उस तरीका से आप पेपर लिख के चले आइएगा, तो आपको एग्जामिनर का जो बाप होता है वो भी आपको फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताने वाले हैं, तो उस ट्रिक को सीखने के लिए आप वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आप बिना पढ़े भी आसानी से इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हैं। और जो छात्र पढ़े हैं, जिन प्रश्नों का आंसर बोर्ड के एग्ज़ाम में उनको नहीं आता है, तो वो छात्र भी इस वीडियो को देख के उस प्रश्न का आंसर आप आसानी से लिख के आ सकते हैं। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ जितने भी लॉन्ग हुआ दीर्घ क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न होते हैं इंग्लिश में, आप बिना पढ़े भी आसानी से लिखने का सबसे सटीक तरीका आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, जब इस प्रकार से आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट का समय ले रहेगा। और इस पेपर को हल करने के लिए टोटल आपके पास 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो इस जनरल इंस्ट्रक्शन को आपको तुरंत बता देते हैं, आप पहले से जानते रहिए। 15 मिनट जो रहता है आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी होता है। ये पेपर 2 भागों में, देखिए 2 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो पार्ट बी होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप सभी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, आपको देखिए पूरे कॉपी पे सभी क्वेश्चन को लिख के बताने वाले हैं ना, तो आप वीडियो को मत स्किप कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं, पार्ट ए से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। पहले आपको बताएंगे कि आप बहुविकल्पी प्रश्नों को भी बिना पढ़े आप आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि जो लेटर होता है उसको भी बिना पढ़े आप कैसे हल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलेगा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पे लिखा रहेगा कि पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना है। देखिए आपके सामने ये जब पैसेज मिलेगा, तो मान लीजिए कि इस पैसेज का आपको हिंदी समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे देंगे, तो आप पहले पैसेज को मत पढ़िएगा, बस एक बार इसको बस देख लीजिए कि ये पैसेज है। पैसेज के बाद इस पे जो आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को पहले देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं प्रश्न कैसा है और कैसे आंसर लिखेंगे। देखिए पैसे से संबंधित आपका पहला सवाल पूछा है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये क्या है बेस्ट ऑफ पार्ट लाइफ। एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, टू रिपीट फॉर व्हाट इज हैपनिंग चाइल्डहुड। मान लीजिए इसमें कुछ समझे में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले पैसेज में चलिएगा और पैसेज में खोजिएगा कि बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कहाँ पे लिखा है, और वहाँ पे खोजिएगा कि इन शब्दों में से वहाँ पे कौन सा शब्द दिया है। ठीक है, चलिए पैसेज दिखाते हैं और बेस्ट ऑफ पार्ट लाइफ खोज के दिखाते हैं। देखिए आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो पहले लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि ओल्ड पीपुल से डेट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए लिखा है बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इस वाक्य में देखिए यहाँ पे लिखा है चाइल्डहुड, क्या लिखा है यहाँ पे चाइल्डहुड लिखा है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ मिला यहाँ पे चाइल्डहुड मिला, और जो आप ऑप्शन देख रहे थे उसमें आपको चाइल्डहुड लिखा था। ठीक है, तो चलिए आप ऑप्शन को दिखाते हैं। देखिए इसमें आपका डी वाला जो है चाइल्डहुड लिखा है ना, तो इसका सही जब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको बिना पढ़े भी आप कितने आसानी से आंसर निकाल दिया, और यही आंसर आपका करेक्ट भी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है, टू होम डज चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम। अब इस शब्द को, मतलब इस जो शब्द दिया है, इनको आप क्या कीजिए पैसेज में खोजिएगा। चलिए पैसेज में खोज के बताते हैं।
देखिए जब पैसेज आप देखते हुए यहाँ से आएंगे तो यहाँ लास्ट में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है चाइल्ड ट्रबल्स सिम, लिखा है ना चाइल्ड ट्रबल्स सिम। अब इसमें देखिए कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा, फादर फादर इस तरह प्रयोग किया गया, फादर फादर ना, देखिए यहाँ भी फादर है और यहाँ भी फादर है, यानी कि जो यहाँ पे कहा गया फादर के द्वारा, तो आपको हिंदी तो समझना नहीं है, बस फादर फादर, तब ऑप्शन में खोजिएगा फादर कहीं पर दिया है कि नहीं दिया, जो फादर ऑप्शन में रहेगा वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दूसरे प्रश्न का जब देखेंगे तो देखिए मदर दिया है, चाइल्ड दिया है, हिज फ्रेंड दिया है, लेकिन फादर भी दिया है, इसका सही जब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं आ रहा था फिर भी आप आंसर कितना सटीक निकाल रहे हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब भी आपका ए ही है, ठीक है। तो इस यही तरीका आपको अपनाना है। अगला देखिए तीसरा नंबर का कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस। अब इंडलेस का अपोजिट पूछ रहा है तो इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं कि आपको जब इसका आंसर लगाना रहेगा तो आप अक्सर करके बी या सी लगाइएगा, इन दोनों पे जो आपका सही हो सकता है वही वाला होगा, बी वाला मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, इंडलेस का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कि ये आपको जब आएगा तभी इसका सटीक आंसर लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम ऑप्शन आपका सही होता है, आपका जो मैक्सिमम सवाल में सही होता है वो होता है आपका बी या सी होता है, इन दोनों में से जो आपकी इच्छा करे लगा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से जो बताएं इस प्रकार से आप लगाइएगा, और इसका आंसर आपको ओ एम आर शीट पे देना रहता है, तो ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। अब चलिए आपको अगले नंबर के क्वेश्चन को दिखाते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार के सामने आपके क्वेश्चन आए तो क्या करना है। देखिए जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने मिले और मान लीजिए इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रश्न है चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम हेड गन विल गन वेंट आर ए बी एंड सी आर करेक्ट। इस प्रकार से जब भी आपको ऑप्शन मिले और आपको मान लीजिए ना इसका अर्थ समझ में आ रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रश्न तो बोर्ड के एग्जाम में छोड़ना नहीं है आपको। जब छोड़ना नहीं है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे जो मैक्सिमम सही होता है, तो आप देखिए जब भी आल ए बी सी डी आर ऑप्शन मिलता है तो उसे आँख मुन के लगा के चले आइएगा, 99% आपका बहुविकल्पी वाला ऑप्शन 100% करेक्ट होता है, तो इसे आप ज़रूर लगा के चले आइएगा, ठीक है, तो आपका ज़रूर 100% सही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुविकल्पी प्रश्न को साथ में करना रहता है। तो जैसे तरीका बता रहे हैं आप बिना पढ़े भी इस प्रकार से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर आप आसानी से लिख के आइएगा, आपके एक सवाल भी गलती होने वाला नहीं है। अगला देखिए आपका क्या तरीका है, देखिए पाँचवा नंबर का जैसे प्रश्न है द किंग डेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई सम बॉडी इज कॉल्ड। अब इसमें से ऑप्शन लगाना है कौन सा लगाना है, तो अभी आपको बताएं मान लीजिए इसमें से आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे आपको बताएं बी लगाइएगा सी लगाइएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा बी या सी, तो एक आप पहले बी लगाइएगा दूसरे नंबर पे आप सी लगाइएगा, इस प्रकार से कीजिएगा, तो इसमें क्या कीजिएगा कि आप सी लगा दीजिएगा खून के, ठीक। तो आपको बी या सी इन दोनों में से कोई एक ही लगाना है, और ऑल ऑफ द एबव लिखा रहे जहाँ पे आल ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन एकदम रट लीजिए, कि जिसका आंसर आपको ना आता हो तो यही तरीका आप ट्रिक लगा के चले आइएगा, एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा फ्रेंड्स, 100% ये वर्क करता है, और ये तरीका सीख के मैक्सिमम जो छात्र होते हैं पास होते हैं, जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है ये ट्रिक अपना के 100% वर्क भी करता है, और 100% मैक्सिमम जो छात्र होते हैं इंग्लिश में आसानी से पास भी होते हैं। तो ये सब आपको तरीका समझ में आ गया, ठीक है। देखिए छठा नंबर का प्रश्न इस प्रकार के सामने आपको मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन सब मिलेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब करना है मतलब इस तरह अलग अलग करके देगा, अब आपको लगाना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए आपको बस एक तरीका इसमें सीखना है इस प्रकार के सवाल में कि आपको पहले सब्जेक्ट, मतलब आपको सब्जेक्ट आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए सब्जेक्ट, तो मान लीजिए कि कुछ पता ही नहीं है आपको अंग्रेजी में सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है ये कुछ नहीं पता है, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर जान रहे होंगे सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है ऐसे कुछ जान रहे होंगे। मान लीजिए नहीं आता है तो आपको क्या बताएं बी या सी में से कोई लगा दीजिएगा, वो आपके लक के ऊपर काम करता है। तो आप यदि आप देखिए पहले बी लगाए थे दूसरा क्या लगाए थे सी लगाए थे, तो फिर आप क्या लगाएंगे बी वाला क्यों लगा दीजिएगा, तो इसमें आप बी वाला आँख मुन के लगा दीजिएगा और यही आपका क्या है सही भी है। देखिए अब इस प्रकार के थोड़ा सवाल में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या बोर्ड के एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले आप क्या कीजिएगा सब्जेक्ट खोजिएगा, जैसे यहाँ पे ही है, ही के तुरंत बाद जाना हंसना खेलना इस तरह रहेगा, तो ही के बाद गोज लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद तुरंत आप मान लीजिएगा ऑप्शन। तो आपको जो ये ट्रिक बता रहे हैं
बी सी इसी में से कोई रहता है, आपको मैक्सिमम यही सवाल आपका सही भी रहता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को लगा दीजिएगा। देखिए आपको एक बार और बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने का तरीका बता देते हैं कि आपका आल ऑप्शन नज़र आए तो उस ऑप्शन को लगाइए, या इसके अलावा बी या सी में से दोनों में से कोई एक लगा के चले आइएगा। तो पहले बी लगाइएगा तो सी लगाइएगा, सी के बाद बी लगाइएगा, बी के बाद सी, इस तरह करके आप क्रम से लगा के चले आइएगा। मैक्सिमम जो ऑप्शन सही होता है यही ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो इस तरह बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए फिर पैसेज से संबंधित आपके सवाल आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत में पैसेज मिलता है आपको, बहुत मिलेगा। अभी देखिए सभी प्रश्न करके बताएंगे आपको। अब देखिए ये आपके सामने ये पैसेज इस प्रकार से मिल गया। अब इसका आंसर भी आपको देखिए देना है, बिना पढ़े आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो बहुत सिंपल सा होता है, आपको इसका हिंदी और इंग्लिश कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप शब्द पकड़िए और आंसर आसानी से दीजिए। इस पैसेज का आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप आंसर एकदम सटीक निकालेंगे। बस आप देखिए प्रश्न, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मान लीजिए दे दिया आपके सामने, और न इसका हिंदी समझ में आ रहा है, नो इसका ऑप्शन जो लिखा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप आसानी से देखिए कैसे आंसर देंगे। यहाँ पर लिखा है हिज ब्रदर हिज सिस्टर, इसी शब्द को पकड़िएगा और वाक्य में पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बट देम आई स्लोली सॉ द नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, देखिए यहाँ पर लिखा है आई नॉट फ्री, फिर इसके बाद लिखा है कि बट माई ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए यहाँ पर लिखा है माई ब्रदर एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री, यहाँ पर क्या लिखा है नॉट फ्री, यहाँ पर नॉट फ्री, नॉट फ्री, नॉट, ठीक है, इस तरह लिखा है नॉट फ्री नॉट फ्री। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा नॉट फ्री ही होगा। तो देखिए आल्सो नॉट फ्री, इसका सही जो आप डी वाला ऑप्शन आप लगा के चले आइएगा, नॉट फ्री 100% आपका ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ना आपको हिंदी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, शब्द को पकड़े, इसमें आप खोजें, खोजने के बाद उसका आंसर आप लगा के चले आए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला जो सवाल है, देखिए ये भी आपका पैसेज से है, देखिए कैसे इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेल, ठीक है, अभी आपके सामने ऑप्शन दिया है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उठाइए यहाँ से और इसमें पैसेज में पढ़ते चले जाइए, खोजते चले जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर आई सा डेट इज वाज नॉट जस्ट फ्रीडम, मान लीजिए फ्रीडम है, कर्टेल्ड है, ये शब्द देखते रहिए, फ्रीडम कर्टेल्ड, फिर यहाँ पे फ्रीडम लिख दिया है, ठीक है, इस तरह पढ़ते चले। आई ज्वाइंट भी लिखा है यहाँ पे, फिर द यहाँ पे देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब प्रश्न में क्या दिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिल गया। अभी देखिए फ्रीडम हुआ कर्टेल्ड हुआ, इन शब्दों के ये जो ऑप्शन रहेगा इसमें खोजिएगा। तो देखिए इसमें तो दिया नहीं है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम, देखिए फ्रीडम मिल गया एंड फ्रीडम एवरी वन लुक लाइक हिम कर्टेल्ड, मिल गया ना। तो शब्द से आप प्रश्न का आंसर निकालें, इसका मतलब इसका सही जवाब आप डी लगा के चले आइएगा, 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कीजिएगा। देखिए आपको फिर एक एक्सट्रैक्ट एक पैसेज टाइप देता है, इसमें भी आपसे इससे संबंधित देखिए 14 से 15 तक प्रश्न पूछा है। देखिए आप कैसे निकालेंगे आंसर, जो बताएं तरीका वही तरीका अपनाइए। देखिए यहाँ पे पैसेज को एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद प्रश्न को देखिए। सम पीपुल से डेट डेट वर्ड विल इंड इन, यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा, बस आप यहाँ पे पकड़िए वर्ड विल इंड, अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो वर्ड विल इंड दिया है, फिर इसके बाद इन दिया है, अब इनके बाद आगे एक शब्द बच रहा है फायर, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फायर ही सही होगा। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना पढ़े भी आप इसका आंसर आप आसानी से निकालिए। देखिए फ्रेंड्स वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, अभी रुके रहिए, अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर किस ट्रिक से आप लिखेंगे, और लेटर भी लिखने का तरीका, ठीक है, और जो आपके बुक से संबंधित जो प्रश्न देता है उसका भी लिखने का तरीका आप सभी को समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करके चले जाइए, अभी वीडियो देखिए, बिना पढ़े भी आप आसानी से 100% आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबरों से पास होंगे। जो तरीका बता रहे हैं ये तरीका समझ लिए, 100% वर्क करता है और अच्छे नंबरों से स्टूडेंट पास भी होते हैं। अगला देखिए 15 नंबर का,
वाट डू यू मीन बाई होल्ड हीयर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इसका जैसे होल्ड का मीनिंग वीनिंग पूछ दे इस प्रकार से मीनिंग, तो मीनिंग आप आएगा तभी कर सकते हैं, या अन्यथा आप लोगों को तो बताएं कि बी या सी में से लगा दीजिएगा। तो आप बी लगाएंगे तो सी, सी अक्सर करके सी लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, होल्ड का सपोर्ट लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लगा के आइएगा। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन को बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का लिखने का तरीका क्या है, और कॉपी पे लिख के भी आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से प्रारंभ होता है पार्ट बी, पार्ट ए में बहुविकल्पी प्रश्न हल करने का तरीका आपको सिखा दिए, बता दिए, उस तरीका को जाके आप अपना लीजिएगा। अब पार्ट बी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 50 नंबर के आते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करने का तरीका आपको सिखाएंगे, बस आप रुके रहिए वीडियो में। देखिए रीडिंग है, पहले आपको इसी प्रकार से 21 नंबर पर आपको पैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, मतलब पढ़ लिए, यहाँ पे पैसेज देगा और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है सब। देखिए आप इसका हिंदी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर आप देंगे कैसे, तो बहुत सिंपल होता है। और ये जो पैसेज आपका देता है यहाँ पे देख लीजिए, टोटल ये 7 नंबर का प्रश्न देता है। यदि जो तरीका आपको बताने वाले ये तरीका आप अपना के चले आए, तो 5 नंबर या 6 नंबर से कम आपको नहीं मिलने वाला, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बस वो तरीका आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आप क्या कीजिएगा, जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्नों को ध्यान से देखा कीजिए। अब देखिए यहाँ पैसेज मतलब ये आपसे क्वेश्चन पहले नंबर पर पूछा है, ये हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है, मान लीजिए इसका हिंदी भी आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए कि इस पैसेज में आप आइएगा, पहला लाइन पढ़िएगा, देखिए जब पहला प्रश्न पूछता है तो आपको पहले दूसरे लाइन में ही इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, ये जानते रहिए। तो देखिए पहले दूसरे लाइन में मिल जाएगा, तो पहला दूसरा लाइन पढ़िए और इस शब्द को चल के उसमें खोजिए कि लिखा कहाँ पे है, कि किंग ऑफ ग्रीस लिखा कहाँ पे है। देखिए लॉन्ग लॉन्ग एगो दियर वाज ए किंग इन ग्रीस, देखिए किंग मिल गया, ग्रीस मिल गया, इसका मतलब ये मिल गया किंग इन ग्रीस। ही है 3 लवली डॉटर्स, ये भी मिल गया आपको, तो यहाँ फुल स्टॉप है, आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, पहले नंबर देखिए कॉपी लिखने का तरीका आपको क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा तो बहुत साफ सुथरा लिखना पड़ता है, तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन इस तरह होना चाहिए, बस इतना ही चीज़ की आवश्यकता है। आप स्केल से इस तरह दो लाइन एकदम साफ सुथरा खींच लीजिएगा, प्रत्येक पेज पर इसी तरह स्केल से ब्लैक पेन से खींच लीजिएगा। खींचने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पार्ट बी वाला जब क्वेश्चन हल कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा पार्ट बी, यहाँ पे लिखिएगा पार्ट बी, और यहाँ पे इस तरह कामा कर दीजिएगा, जितना सुंदर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेगा, ये जानते रहिए। अब यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा है, ए वाला है ना, तो यहाँ पे लिखिए ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखिएगा आंसर। इतना चीज़ आप सीख लीजिए कैसे कॉपी लिखना है, आपको कॉपी लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। कॉपी में लिखते समय यदि आप गलतियाँ करते हैं तो आपका नंबर ऑटोमेटिक कट जाता है, सही आंसर भी लिख के आएंगे तभी पे नंबर कटता है, इसीलिए कॉपी लिखने का तरीका भी आप सीखते रहिए साथ में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर इस तरह डालेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, आप लिखेंगे आंसर। अब देखिए कैसे आंसर लिखेंगे, आपको इसी प्रश्न का आंसर लिखना था, किंग ऑफ ग्रीस पकड़ लिए, यहाँ से किंग ऑफ ग्रीस मिला, आप यहाँ से कीजिए कि यहाँ से लेके और यहाँ जो ये वाक्य कंप्लीट होता होगा वहाँ तक एक लाइन लिख देंगे, पूरा एक दो लाइन कम से कम लिख देंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ तक पूरा लिखेंगे। देखिए लिखेंगे कैसे, आप ब्लू पेन से लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा, देखिए लिख के बताते हैं आपको, पूरा तरीका सीखिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो दिया, और जब लिखिएगा थोड़ा सा स्पेस गैप देते रहिएगा शब्दों में ना, ये नहीं कि तब सटा के शब्द लिख दीजिएगा, एग्जामिनर चेक करेगा गलती काट देगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस मतलब शब्दों के बीच में जैसे लिख रहे हैं स्पेस दे रहे हैं, इस तरह आप स्पेस भी देते रहिएगा और सेम टू सेम इसे उतार दीजिए। डियर वाज ए किंग, ठीक है, इन ग्रीस, इन ठीक है ग्रीस है तो यहाँ पर लिख दीजिए ग्रीस, ग्रेस फुल स्टाफ है, फिर लिखा ही हैड 3 लवली डॉटर, लवली डॉटर्स डी ए यू
डाटर्स, ठीक है, आप काट पीट बस मत कीजिएगा, एकदम जितना सुंदर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेगा। और ये मत समझिए कि ये आपको गलत बताया जा रहा है, नहीं, ये इसका आंसर ही यही होगा, ठीक है, इसका आंसर ही यही होगा। यहाँ पूछ रहा हाउ मेनी डाटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस, जो किंग ऑफ ग्रीस था उसकी कितनी पुत्रियाँ थी, तो उसकी जो है लवली डाटर्स थी, कितने, थ्री लवली डाटर यानी तीन पुत्रियाँ थी, इसका सही जवाब भी यही है। आपको जो बताया जा रहा है ये नहीं है कि आप गलत इसी तरह उठा के बता दे रहे हैं, आप इसका आंसर जाके खोज लीजिएगा, जो बता रहे हैं एकदम यही आंसर भी है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको सेम टू सेम उतारना है, ठीक है, आप जाके किताब इसका आंसर आप गूगल पे खोज लीजिए या किताब उठा के मिला लीजिए, आपको आंसर भी यही मिलेगा जो बता रहे हैं। आपको एकदम एक्यूरेट चीज़ बताया जा रहा है ना, आपको गलत नहीं बताया जा रहा है। अगला देखिए, हु वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल, अब इसका आंसर आपको खोजना है क्या होगा, आपको क्या कुछ नहीं करना है, जब दूसरा प्रश्न पूछेगा ना तो आपको इसके आगे जहाँ तक ये प्रश्न कंप्लीट होगा उसी के आगे उसका आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डॉक्टर वाज वेरी ब्यूटीफुल, द सेकेंड डॉक्टर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, बट द थर्ड वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल। क्या है यहाँ पे, फेरेस्ट ऑफ ऑल, आपको समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिया है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप यहाँ से कीजिएगा जो यहाँ पे लिखा है वही, कि यहाँ से फेरेस्ट ऑफ ऑल है तो यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ से ये बट छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पकड़िएगा, और यहाँ से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो गया, और यहाँ तक हर नेम वाज साइकी, यहाँ तक, यानी यहाँ से प्रारंभ कीजिएगा और यहाँ तक पूरा कंप्लीट उतार दीजिएगा, सेम टू सेम इसी तरह उतार दीजिएगा। लेकिन देखिए आप कॉपी लिखना कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ए हुआ, आप जब दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा एक दो लाइन छोड़ लीजिएगा, और मान लीजिए दो लाइन छोड़ के यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 का बी है ना, तो यहाँ पर आप बी डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखिएगा, आंसर लिखने के बाद इसको सेम टू सेम उतार दीजिएगा, ठीक है, जो बताएं आपको ना फेरेस्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है तो उसी को यहाँ से लिख के द थर्ड वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल, पूरा लाइन सेम टू सेम उतारिएगा, जैसे लिखा है उसी तरह उतार दीजिए। चलिए उतार के बताते कैसे उतारेंगे, लिखेंगे द थर्ड, देखिए पहला लेटर जब भी लिखिएगा तो आप कैपिटल लेटर बना दीजिएगा ना, थर्ड वाज द फेरेस्ट फेरेस्ट ऑफ ऑल, सी वाज द मोस्ट, लिखिएगा सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है, हर नेम, देखिए जैसे है का प्रश्न में उसे उतार रहे हैं ना, हर नेम वाच साइकी, इस तरह सेम टू सेम उतार दीजिएगा, पूरा दो नंबर इस पर मिलेगा, दो नंबर इस पर मिल जाएगा, टोटल चार नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, इसलिए कि इस प्रश्न का आंसर भी यही है। अगला देखिए, What did Psyche pray to the goddess of Greece? अब इसका आंसर लिखना है तो आप बस क्या कीजिएगा, pray to goddess of Greece खोजिएगा, ये कहाँ पे लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर खोजते हैं। अब जब ये तीसरा का आंसर ना इसके आगे ही मिलेगा, तो चलिए आप पढ़ते हैं खोजते हैं, वेर इज द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यही शब्द लिखा है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गॉडेस ऑफ ग्रीस, देखिए प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस, यहाँ पे क्या है, ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीस वाज एंग्री विथ हर, सी वाज जीलियस हर ब्यूटी, सी कॉल्ड साइकी टू हर प्लेस एंड आस्क हर हाउ ओल्ड आर यू, साइकी एंसर्ड ग्रेट गॉडेस, देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेट गॉडेस, आई एम 19 विनस लॉट एंड सेड यू आर यंग बट नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अगली नो बॉडी विल मैरी यू, साइकी वेप्ट एंड प्रेड, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रेड लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेड साइकी वेप प्रेड, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, आई विल सर्वेंट सर्व यू विल, आई विल एवरीथिंग फॉर यू। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर, बहुत सिंपल सा है, तो साइकी प्रेड टू गॉडेस ऑफ ग्रीस, देखिए यहाँ पे
ग्रेट गार्डेस लिखा है ना यहाँ से, और साइकी एंसोर देती है इस तरह, है ना आपका। तो आप बस आपको करना क्या है कि यहाँ से पकड़िएगा और लास्ट तक यहाँ तक सेम टू सेम उतार दीजिएगा, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जब उतारेंगे तो इसी में उसका आंसर पूरा आपका आ जाएगा कि साइकी आप गार्डेस ऑफ ग्रीस। तो आपको जो तरीका बताएं, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप लिख देंगे ना, आपको बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टू सेम, आप कापी पर उसी तरह क्वेश्चन नंबर अपना डालिएगा और उसको आंसर डाल के इस तरह सेम टू सेम उतार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल के इस तरह उतार दीजिएगा जैसे समझाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीनिंग अट्रैक्टिव। देखिए इसका आंसर आपको आएगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता देते हैं अनअट्रैक्टिव मतलब जो होता है इसका मीनिंग जो होता है अगली होगा, ठीक है, याद भी रखिएगा, हो सकता है यही आ जाए। तो ठीक है, तो इसका जैसे मीनिंग जब पूछता है तो उसका आपको आना चाहिए, और नहीं आता तो कोई भी शब्द इसमें से पकड़ के उसके स्थान पर लिख दीजिएगा बिना, देखिए प्रश्न तो छोड़ के आना नहीं है आपको, नहीं आएगा तो उसका वहाँ पे आप अनअट्रैक्टिव का यहाँ पर कोई भी मीनिंग उठा के लिख के चले आइएगा इसी में से एक शब्द उठा के, ठीक है। तो देखिए अब ये हुआ आपका पैसेज से संबंधित था। अब देखिए राइटिंग लिखना है आपको, 22 नंबर का जो दिया है आपको लेटर लिखना है। तो राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 10,000 rupees, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखिए एक उठवा बताते हैं प्रिंस क्या है, एप्लीकेशन लिखने का एक पैराग्राफ बताते हैं, सिर्फ ये पैराग्राफ याद रखिए, कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो आप देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, आप कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले नंबर तो क्वेश्चन नंबर आप सही से डालिएगा, यहाँ पे डालिए क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22 OR वाला कीजिएगा तो OR लिख दीजिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा एप्लीकेशन। और देखिए ये भी बहुत सिंपल होता है, बस जो तरीका आपको बताएंगे तो आप बिना पढ़े भी आसानी से लिख सकते हैं। बस एक काम आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको किसी पे एप्लीकेशन, किसी चीज़ पे एप्लीकेशन लिखना है तो एक इसका पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ बस आपको एक दो लाइन आना चाहिए। देखिए पैराग्राफ में क्या होता है कि पहले यहाँ पर लिखिएगा 2, करके अब प्रिंसिपल को लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि द प्रिंसिपल को लिखना है, इसी में से शब्द उठाइएगा जिसको लिखना रहेगा एप्लीकेशन, उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कामा कर दीजिएगा। अब द प्रिंसिपल लिखने के बाद अब जैसे कॉलेज में लिखना है तो आप अपने कॉलेज का, जैसे अब जिस कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज का नाम पता होगा, नहीं पता होगा अगल बगल किसी कॉलेज का नाम पता होगा लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एक कॉलेज GCIC, इस तरह ABCD करके लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई अलग कॉलेज का नाम दे दीजिएगा ना। और यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटर कॉलेज, ठीक है, कामा कर दीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रयागराज, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रयागराज लिख दीजिए, गाजीपुर लिख दीजिए, ठीक है, वाराणसी, जौनपुर, जो आप जहाँ से होंगे वहाँ पे लिख सकते हैं इसको। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बस ब्लैक पेन उठाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किस विषय पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे खुद दिया रहता है किस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है। योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी, देखिए यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पे लिखिएगा एप्लीकेशन, हो गया ना सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी, हो गया ना सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए लिखिएगा सर, लाइन छोड़ के चलिए यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा सर कामा करके। इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली, एक जो पैराग्राफ बता रहा है बस इस पैराग्राफ को याद रखिए, कोई भी एप्लीकेशन आएगा देखिए तरीका क्या होता है बता रहे हैं आपको, मोस्ट रिस्पेक्टफुली यहाँ पे लिखिएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली I beg to say that। इतना बस लिख दीजिएगा। अब इसके आगे देखिए हर, देखिए ये जितनी भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए इतना बस आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप इस तरह उठाइएगा और जो पैसेज रहेगा इसी पैसेज में से आप कोई भी लाइन उठा के लिख के चले आइएगा। जैसे आप लिख दीजिएगा यहीं से
यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में से कोई भी लिख दीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन उठा लीजिएगा, फिर आप बीच में से कोई एक लाइन उठा लीजिएगा और बीच में से कोई एक लाइन उठा के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसके आगे, इसी पैसेज में से यहाँ पे आप आगे यहाँ से लिख दीजिएगा और इसको थोड़ा सा 2-3-4 लाइन इस तरह भर लीजिएगा। भरने के बाद ठीक है, जैसे बताएं आपको लिखने के लिए फ्रेंड्स, ये बीच में से पैसेज में से कोई लाइन उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पे कोने में दाएं साइड कोने में लिखिएगा योर्स ओबेडियंटली, OBEDENTLY ओबेडियंटली। एक्स वाई जेड नाम नहीं लिखना रहता तो एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे जिस क्लास में पढ़ते हो क्लास लिख लीजिएगा एक्स जिस क्लास में होंगे, और यहाँ पे बाएं साइड में यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको पूरे के पूरे इस पर क्या नंबर 3 नंबर आपका कहीं गया नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे पैराग्राफ बताए, अब कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, जैसे आप लाइब्रेरी पे था, आपको लाइब्रेरी के अलावा जैसे पानी सफाई करना है, कॉलेज की सफाई करना है, या छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, या कोई भी एप्लीकेशन लिखना है, जो तरीका बताएं यही तरीका अपना के चले आइएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न आप करेगा ये 6 नंबर करेगा, ये भी ट्रिक से बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है, जो बताएंगे बस वही अपना लीजिएगा। आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है, इसके अलावा आर्टिकल, तो जिसमें जितना हेडिंग ज़्यादा रहेगा वही वाला आप लिखिएगा, यदि आ रहा होगा दोनों में से जो प्रश्न उसको तो लिखना ही है, जिसको नहीं आ रहा होगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग नज़र आएगा वही वाला आप आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए OR, इस वाले में आपको कितने हेडिंग दिया है, 5 हेडिंग, तीसरे ही आप लिख लीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं पता है, बस प्रश्न से आंसर लिखेंगे, और जो देखिए आपको याद होगा तो प्रश्न का आंसर तो बढ़िया से लिखिएगा, नहीं याद होगा तो उसके लिए तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर QUESTION क्वेश्चन 23 है, और यहाँ पर देखिए किस पर लिखना है, आर्टिकल लिखिएगा, आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल आन, किस पे आर्टिकल लिखना है आपको, ए बर्थडे पार्टी पे, तो लिखिएगा ए बर्थडे डे पार्टी। ठीक है, ये हो गया आपका कि इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं, जो हेडिंग दिया रहेगा उसे ही आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है। यहाँ पर लिखिएगा पहला, देखिए लिखा है हु बर्थडे पार्टी इट्स वाज, लिखिएगा हुज बर्थडे पार्टी पार्टी वाज, हेडिंग जो ऐसे रहेगा सेम टू सेम इसको यहाँ पर उतारना है। अब मान लीजिए इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं चला कि लिखना क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको इंग्लिश के पेपर पैसेज दिया नहीं, इस तरह ये पैसेज दिया है, पैसेज में से कहीं से बीच से आप एक वाक्य उठाइएगा और उसको वहाँ पे लिख के चले आइएगा। ऐसा कीजिए, देखिए आपको यहाँ से बता रहे, यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक 1-2 लाइन जहाँ तक समझ में आए आपको वहाँ तक पूरा एकदम लिख दीजिएगा, तो ये पूरा सेम टू सेम इसी तरह उतार के चले आइएगा। तो लिखिएगा द लुक बैक, इस तरह करके पूरा आप ऐसे पूरा उतार दीजिएगा, जितना बताया है आप पूरे इस वाक्य को यहाँ से लेके यहाँ पूरा ये उतारिएगा और यहाँ तक पूरा सेम टू सेम उतार के चले आइएगा। ये आपको एक चीज़ बता दें कि आपको ये जो हेडिंग दिया है ना, ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह हेडिंग लिखा मिलेगा, 5-6 हेडिंग रहता है, इसी पे लिखना रहता है, इस तरह आप जैसे बताएं लिख दीजिएगा। अब दूसरा हेडिंग इसी प्रकार से डालिएगा आप, ठीक है, जैसे बता रहे बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। दूसरा आपका क्या हेडिंग है, दूसरा हेडिंग आप बनाइएगा, इसका टाइम एंड प्लेस दिया ना, यहाँ पर देखिए टाइम है, यहाँ पे देखिए क्या दिया, टाइम एंड प्लेस, तो यहाँ पर टाइम एंड प्लेस डालिएगा, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस डालिएगा, ये हेडिंग हो जाएगा आपका। जब ये हेडिंग होगा तो आप क्या करना है, इसी पैसेज से, इस पैसेज से 2-3 पैसेज देता है, दोनों पैसेज में से कोई भी आप लिख दीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ तक लिखे थे, अब 2-3 लाइन छोड़ के यहाँ से चलिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक लाइन पूरा आप उठा के सेम टू सेम इसी तरह लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द फादर इन द सेफ, द फादर इन द सेफ, ठीक है, इस तरह आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक जितना बताएं आप पूरा सेम टू सेम इसी तरह आप उतार दीजिए पूरा जैसे बताएं। तो अब इसी तरह जो शेष हेडिंग बचा है आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शेष हेडिंग बच रहा है
ये आप पैसेज से इसी तरह, जैसे मान लीजिए ये पैसेज दिया, यहाँ से उठा के बना दीजिए कुछ, यहाँ से पैसेज में से दो पैसे देखिए, एक पैसेज ये दिया है आपका, एक पैसेज इस प्रकार से ये दिया है, तो दोनों पैसेज में से आप छाट के उसका आंसर आप आसानी से जैसे बता रहे हैं लिख दीजिएगा। बस हेडिंग जो दिया रहेगा उसको हेडिंग बनाइएगा, उसके आगे जो बताए हैं उसको आप लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह पाँचों हेडिंग के बारे में आप जैसे बताएं इसी तरह लिख के बोर्ड के एग्जाम में चले आइएगा। छः नंबर का प्रश्न है तो आपको चार या पाँच नंबर कहीं गया नहीं है, ठीक है, पूरे नंबर आपको मिलेगा। बस लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि आप सुंदर एंड स्वच्छ राइटिंग से बस उसको लिखिएगा। देखिए अगला नंबर का आपका ग्रामर से संबंधित 24 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। देखिए जो तरीका बताएंगे यही तरीका से लिख के चले आइएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करने आता तो क्या करेंगे? आपको प्रश्न पहले नंबर दिमाग में बैठा लीजिए, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ लिखिएगा द टीचर TACHER। अब जब भी आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो यहाँ पे सेड टू, इसके आगे कोई लिखा रहेगा तो यहाँ सेड टू को एकदम रट लीजिएगा। आपको टोल्ड लिखना है, क्या लिखना है? टोल्ड, और मी रहेगा तो मी लिख लीजिएगा। इन्वर्टेड काम हटाने के लिए हमेशा डेट का प्रयोग करते हैं तो डेट लगा दीजिएगा। और इसको जैसे के तैसे, समझ में आ रहा होगा तो कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा इसको जैसे के तैसे उतार दीजिएगा। क्या उतारेंगे? यू। देखिए यू की जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मी लिखा है तो यू की जगह पर मी के हिसाब से माई कर लीजिएगा, माई ड्यूटी। इसको वाज में चेंज कर दीजिएगा टू टेक केयर, फिर ये जैसे के तैसे यहाँ पर उतार दीजिएगा। बस यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सेट टू को ट्वेल्व में चेंज कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर डेट, और जैसे के तैसे इसी तरह उतार के चले आइएगा, आपको ज़रूर नंबर मिल जाएगा। इसी तरह आप चेंज द फॉलोइंग पैसिस बॉयज, पैसिस बॉय में चेंज करना रहेगा तो कैसे करेंगे? बस आपको जो यहाँ पे वर्ब के बाद जो शब्द रहेगा उसको पहले लिखिएगा, द लायन, फिर वाज लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पे जो लिखा रहेगा शब्द उसको लिख दीजिएगा, शार्ट लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में जब भी चेंज किया जाता है तब बाई के साथ में जो यहाँ पे प्रारंभ में लिखा रहेगा उसको लास्ट में लिख दीजिएगा, द किंग कर दीजिएगा, द किंग। तो इस तरह आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिएगा, आपको ज़रूर 100% इस पर भी नंबर मिलेगा। अगला देखिए, आपको पंक्चुएशन जैसे करना रहेगा तो पंक्चुएशन बहुत सिंपल से होता है। आपको क्या करना रहेगा, जहाँ पे पहला लेटर रहेगा उसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, आप छोड़िएगा मत, पहला लेटर क्या कीजिएगा कैपिटल में कर लीजिएगा। इस तरह राकेश, सेट जैसे लिखा है इसी तरह लिखना है, कुछ करना नहीं है इसमें। सेट टू, नाम जब भी रहेगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा, यस HYAM। अब क्या कीजिएगा, सेट टू श्याम करने के बाद कामा इस तरह लगाइएगा और डबल कामा इस तरह लगा दीजिएगा, कामा और डबल कामा ऊपर। यहाँ पे पहला लेटर जब इन्वर्टर कामा के अंदर लिखिएगा तो पहला लेटर कैपिटल में कर दीजिएगा, आर लिख दीजिएगा, यहाँ पे वी लिखिएगा, जैसे के तैसे उतार दीजिएगा, स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, द सिटी सी से रहेगा ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ऐसे कर दीजिएगा। आप अच्छे से लिखिएगा, बस आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन आप जब कॉपी पे लिखिएगा तो सुंदर लिखिएगा ना, बस एक चीज़ का ध्यान देना कि साफ सुथरा एंड सुंदर आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद आपको जैसे ट्रांसलेट टू फॉलो इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में चेंज करना है, आपको इंग्लिश में चेंज करने नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे? सिंपल सा है, देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालिएगा, साफ से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 24 का डी है ना, तो यहाँ पे 24 का डी डाल दीजिएगा, 24 का डी डाल दिए। अब देखिए जैसे इसका आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, फिर भी देखिए आप कैसे ट्रांसलेशन इसका करेंगे, आपको बताते हैं तरीका, ठीक है। तो जो तरीका बताएंगे, ये तरीका क्या करना है कि यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ लख रहा हूँ, तो देखिए मैं का आप तो पता ही होगा कि मैं का क्या होता है, तो आई होता है, तो कम से कम आई तो लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, आई लिख दीजिएगा। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वही काम करना है कि पैसेज पकड़िएगा, ठीक, पहले पैसेज या दूसरे पैसेज, पैसेज मान लीजिए पकड़ लीजिएगा पार्ट ए का, चलिए हम पैसेज देख लेते हैं। पैसेज से क्या कीजिएगा कि जहाँ से वाक्य प्रारंभ होगा वो उसे ही वहाँ पर उतार देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बीच में से कहीं से वाक्य पकड़ लीजिएगा और उसको वहाँ पर सेम टू सेम उतार दीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, चलिए यहीं से आपको हो रहा तो यही पूरा वाक्य वहाँ पर उतार देते हैं, पूरा वाक्य यहाँ पर आई है, इसके बाद पूरा वाक्य यहाँ पर उतार देंगे। जैसे यहाँ पर क्या बताएँ, जोक्स दे यूज्ड बताए ना, यहाँ पे लिखिएगा जोक्स दे यूज्ड,
इस तरह करके पूरे पैराग्राफ को यहाँ से उतारिएगा। फिर अगला पैराग्राफ इसमें से कुछ लिखिएगा तो कुछ इस दूसरे वाले पैराग्राफ में से यहाँ से उतार लीजिएगा। तो इसी तरह करके पूरे आपको उतार देना है। आपको बस क्या करना है कि प्रश्न का आंसर छोड़ना नहीं है। ये समझ में आ गया ग्रामर से। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे, पूरे प्रश्न का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए लिटरेचर जैसे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको मान लीजिए कि इसका आंसर याद नहीं है तो आप इस प्रश्न जो पूछेगा पहले नंबर पे तो इसी को उतारना। जैसे व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, यहाँ से वाज जो स्टार्टिंग एक दो शब्द रहेगा उसको छोड़ लीजिए, छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद इसको सेम टू सेम उतारिएगा कापी पे जो पूछेगा प्रश्न। कैसे उतारेंगे देखिए, समझाते हैं आपको। पहले यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा है, ए है ना, ए कर लीजिएगा। और यहाँ पे ए स्टार्टिंग जैसे व्हाट आ जाए, हु आ जाए, हाउ आ जाए और उसके साथ सहायक क्रिया रहे तो इसको आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद क्या करेंगे, ये जैसे लिखा है इसी तरह लिख दीजिएगा। लिखिएगा द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लिख लिए इतना। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि वही काम करना है कि पैसे से उठा के आंसर याद होगा तो पूरा करेक्ट लिखना है, जैसे नहीं याद होगा उनके लिए बता रहे हैं। तो जैसे ये हो गया, अब क्या करेंगे कि यहाँ से कोई एक शब्द जैसे यहाँ पकड़ लीजिएगा और उसे ही एक दो लाइन उतार लीजिएगा। जैसे ग्रेट गाटेस उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेट गाटेस घाटेस उतार दीजिएगा, ठीक है। पूरा एक दो लाइन इस तरह करके एक दो तीन लाइन इसमें से उतार दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा ना। आपको नंबर जरूर मिलेगा ये जान लीजिए। आप इसीलिए बोल रहे हैं कि छोड़ के मत आइएगा, बस साफ सुथरा लिखिएगा बोर्ड के एग्जाम में। देखिए आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा राइटिंग बेकार है, लेकिन आप इसको अच्छे साफ सुथरा राइटिंग में लिखिएगा। इसी तरह जितना भी प्रश्न रहेगा, जिस प्रश्न का आंसर आपको देना होगा, देखिए जैसे इसमें से दोनों में से एक का देना था इसका दे लीजिए, अगला का देना रहेगा जैसे इन दोनों में से देना रहेगा। तो मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर देना है तो क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग एक दो शब्द ये छोड़ दीजिएगा, इसको जैसे के तैसे उतार दीजिएगा यहाँ से। यहाँ से उतारने के बाद इसके बाद आप क्या कीजिएगा, पैसेज से ही वही काम करना है कि पैसेज से दो तीन लाइन उतार दीजिएगा। बस उतारने के बाद आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका ये प्रश्न है तो जैसे आपको बताया इसी तरह इन सभी प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि व्हाट डज द गर्ल, ये छोड़ दीजिए देखिए यहाँ पे अथवा लगे, राइट योर फोर लाइन। आपको पोयम चार लाइन का लिखना रहता है और कहा है कि जो इस किताब में नहीं आया है वही चार लाइन का पोयम आपको लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको क्या होता है कि आपके बुक में एक पोयम दिया रहता है पैसेज के रूप में। देखिए कितने नंबर का, तीन नंबर का है ना प्रश्न, आपको पूरा तीन नंबर मिलेगा। देखिए आपको याद होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं याद होगा तो क्या करना है, तो प्रश्न तो छोड़ना नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि इस प्रकार से आपको एक पोयम वाला पैसेज मिलेगा, ठीक है। इस तरह आपको पैसेज मिलेगा पोयम का, यही पूरा सेम टू सेम आप उतार के चले आइएगा। आपको इस पूरे तीन नंबर एग्जामिनर देगा, छोड़ मतलब आप छोड़ के आएंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन लिख के चले आएंगे तो पूरे तीन नंबर का प्रश्न रहेगा, तो पूरा तीन नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये प्रश्न जो है सेम टू सेम आप उतारना है पेपर पे। तो ये जो कापी रहेगा इस कापी पे आप क्वेश्चन नंबर डाल के इसको सेम टू सेम इसी तरह आप उतार दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर भी आप लिख देंगे इसी तरह। अब देखिए लास्ट आपका आपका क्वेश्चन बचता है ये, यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए डस्ट ऑफ स्नो हुआ, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालिएगा यही। सेंट्रल आइडिया डालने के बाद याद हो तो लिखिए, नहीं याद हो तो क्या करना है, वही पैसेज अपना सबसे रामबाण उपाय है कि पैसेज जो बचा रहेगा वही पैसेज उतार देंगे। सेंट्रल आइडिया लिखना है ना, अब जो आपके बुक का जो पैसेज रहेगा वही उतारना है। आप क्या कीजिएगा कि जो यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा पूरा पैसेज, जैसे स्टार्टिंग के एक दो लाइन छोड़ के बीच में से लिखिएगा कहीं से, मान लीजिए यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके लास्ट तक पूरा एकदम सेम टू सेम यहाँ पे हेडिंग डाल के क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ना 28 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, क्वेश्चन 28 यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा। पहला जैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है डस्ट ऑफ स्नो पे, या कोई दूसरा जो आपको समझना है हेडिंग बना लीजिएगा। जैसे आप बी वाला बना दीजिए हेडिंग, क्या बनाना है, ए टाइगर इन द जू, द टाइगर इन द जू, इस तरह हेडिंग बना लेंगे। जैसे ये हेडिंग बन गया,
ठीक है, और कौन सा था ये बी वाला, तो यहाँ पे बी डालना मत भूलिएगा, हो गया। और यहाँ पे सेंट्रल आइडिया हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा, सेंट्रल आइडिया ये हेडिंग बन जाएगा आपका। और अब क्या करना है, ये पैसेज आपको बताएं, यहाँ से पकड़िएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा, पूरा लास्ट तक लिख के चले आइएगा, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, बट माई ब्रदर, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पूरे कापी पे एकदम पूरा भर दीजिएगा, पूरा एकदम क्या कीजिएगा, पूरे कापी को आप भर दीजिएगा। इस प्रकार से आप इस सेंट्रल आइडिया को लिख के चले आइएगा। आपका ये कितने नंबर का है बता देते हैं, देखिए 3 नंबर का है ना, तो 2 नंबर कहीं नहीं गया, 2 नंबर 1.5 नंबर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन छोड़ के चले जाते तो 1 भी नंबर नहीं मिलता। लेकिन ये आप तरीका समझ गए तो आप आसानी से इसका आंसर लिख के आएंगे। 29 और 30 जैसे बताएं आप उसी तरह लिखेंगे इस प्रश्न का, कि आप स्टार्टिंग के 2 शब्द छोड़ के इसको सेम टू सेम उतार के पैसे से कोई भी लाइन पकड़ के उतार दीजिएगा। इसी तरह इसमें भी करना है। तो देखिए जितना भी आपको तरीका था इंग्लिश में पास होने का, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएं, ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यदि आप देखे होंगे तो आपको गारंटी देते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में चले जाएंगे। इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं आपको आता है, फिर भी आप 50 से 55 नंबर यानी कि 45 से लेके 55 नंबर के बीच में आपका आसानी से नंबर आ जाएगा। यदि आप बिना पढ़े भी 45 से 50 नंबर के बीच 55 नंबर आप पा जाते हैं, तो आप जो टॉपर रहते हैं, जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनके कंपैरिजन में भी आप बहुत अच्छा करके चले आएंगे। तो फ्रेंड्स जो ट्रिक बताएं, इस ट्रिक को आप ज़रूर बोर्ड के एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा। और यदि वीडियो आप स्टार्टिंग से देख के अभी तक नहीं पूरा देखे हैं तो स्टार्टिंग से जाके पूरा वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।